हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमें 3.5 इंचेस की चौड़ाई की और 14 इंचेस लंबाई की ऐसी दो पट्टियाँ काट लेनी है। अब उसे हमें बीच में से फोल्ड करना है और उसकी एक ही किनारी पर हमें सिलाई लगानी है, दूसरी किनारी पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हम अपनी पट्टियों को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देंगे। अब हमें 3 इंचेस की चौड़ाई का और 3.5 इंच की लंबाई का ऐसा राउंड नेक बुकरम में काट लेना है। अब हमें उसे अपने फैब्रिक के सेंटर में इस तरीके से रखना है और उसे ड्रॉ कर लेना है। बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने अपने सेंटर में इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है और उसकी दोनों ही तरफ हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है और ऐसी ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है। दोनों तरफ हमें हाफ इंच की ऐसी लंबी लाइन ऊपर से 12 इंचेस तक ड्रॉ करनी है। हमने अपनी पट्टियों को अच्छे से प्रेस किया हुआ है। हमारी पट्टी 1.5 इंच की है। हम 1 इंच पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों ही पट्टी पर हम 1 इंच की ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी तरफ हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे। अब हमें अपनी पट्टी की ओपन वाली साइड को इस तरीके से ऊपर सेट करना है और हाफ इंच वाले मार्जिन पर हमें सिलाई लगा लेनी है ऊपर से 12 इंचेस तक। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी अपनी पट्टी को अटैच कर लेंगे। हमने अपनी पट्टी को यहाँ 12 इंचेस तक जॉइंट कर लिया है। हमें यहाँ तक ही अपनी पट्टी को अटैच करना है। नीचे की तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। अब हमें यह सिलाई वाले हिस्से को अपनी इस तरफ रखना है और इसी तरीके से अपनी दूसरी पट्टी को भी अटैच कर लेना है। नीचे वाले हिस्से में हमें सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से हम इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी अटैच कर लेंगे। दोनों ही पट्टियों को अटैच करने के बाद हम नीचे से ऊपर तक भी 1 इंच की ऐसी ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखकर हम ऐसी ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच की ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ की हुई है। अब ये वाली लाइन हमारी 11 इंचेस पर है और नीचे वाली 12 इंचेस पर। अब हम यहाँ से 11 इंचेस तक स्ट्रेट कट लगा लेंगे।
हमने 11 इंचेस तक स्ट्रेट कट लगा लिया है। अब हमें 12 इंचेस तक इस तरीके से क्रॉस में दो कट लगाने हैं। अब हमें अपनी पट्टियों को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देना है। पट्टियों को इस तरीके से पलट देने के बाद यह वाले ट्राइंगल शेप वाले कट को भी हमें इस तरीके से अपनी उल्टी तरफ इस तरीके से पलट देना है। अब हमें नीचे से इस ट्राइंगल शेप वाले कट पर यहाँ से अपनी पट्टी पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने अपनी प्लेकेट्स को रेडी कर लिया है। अब हम इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे और इसकी गले की फिनिशिंग भी हम कर लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से 4 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करेंगे। अपनी प्लेकेट्स को इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने अपनी प्लेकेट्स को तैयार कर लिया है। हमने ऊपर अपने नेक को इस तरीके से फिनिशिंग कर ली है। आप चाहे तो ऊपर कॉलर भी अटैच कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।